नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन यानी कि रामलीला का कार्यक्रम के बाद रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। आप वीडियो और तस्वीर में आप खुद देख रहे हैं किस तरीके का रावण दहन के बाद माहौल है, किस तरीके से लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित किया है, किस तरीके से आप खुद वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से सबसे पहले कुंभकर्ण, उसके बाद मेघनाथ और आखिर अंत में रावण को जलाया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो हनुमान ने सोने की लंका में आग लगाई थी, वो भी वीडियो आप देख लीजिए किस तरीके से वीडियो है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं जो गांधी मैदान का हुजूम है, लंका दहन की बात का ये हुजूम आपको मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके से लंका दहन हुआ है, रावण दहन हुआ है, उसके बाद लोगों की ये भीड़ देखी जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचे थे और लोगों ने रावण दहन का इस कार्यक्रम को देखा है और बुराई पर अच्छाई की जीत को अपने आप को दर्शाया है, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई को जीत मिलती है, किस तरीके से लोग अपने आप को बता रहे हैं कि किस तरीके से बुराई में कितना भी अगर ताकत हो, बलवान हो, आखिरकार जीत अच्छाई की होती है। और वही जीत की पहचान, वही जीत की निशानी आप ही देख रहे हैं रावण दहन के रूप में, किस तरीके से हजारों हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और लोग पहुँचने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद खुशी मना रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने इजहार किया आप खुद भीड़ में देख रहे हैं, किस तरीके से लोग कितने दूर दूर से पहुँचे। और जैसे ही रावण दहन हुआ है, पटाखों से, लाइट से, रोशनी से पूरा गांधी मैदान जो है जगमग जगमग हो गया है, पूरा इलाका जो है आवाज़ से, पटाखे की आवाज़ से पूरा इलाका में जो है एक अच्छाई की जीत की परचम लहराई गई है, अच्छाई की जीत की जो है जोश और जुनून दिखाई जा रही है। आप खुद वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीर है, आप पूरा वीडियो को देखिए किस तरीके से रावण दहन के बाद क्या माहौल है गांधी मैदान का, क्या माहौल है रावण दहन के बाद, इस वीडियो में आप खुद देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है। आप एकदम पूरा ये गांधी मैदान का इलाका जो रावण दहन के बाद है, किस तरीके से लोगों की भीड़ है, किस तरीके से लोग बुराई की पर अच्छाई की जीत के बाद लोग अपनी गंतव्य की ओर जा रहे हैं, लोग वापस लौट रहे हैं। आप खुद वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का वापस लौटने का भी अब सिलसिला शुरू हो गया है। तो गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक रावण दहन का कार्यक्रम हो गया है, उसके बाद किस तरीके का माहौल है गांधी मैदान का मैंने आपको ये दिखाया है, आपने खुद देखा है। किस तरीके से लोगों में एक आत्मविश्वास दिख रहा है, किस तरह से लोगों में एक जीत का जुनून दिख रहा है, बुराई पर अच्छाई का जीत का, तो आपने देखा है रावण दहन के बाद गांधी मैदान का माहौल किस तरीके का है, कैसा माहौल है मैंने आपको दिखाया है, आपने खुद देखा। आप अपनी राय क्या रखते हैं रावण दहन के बाद, क्या रामलीला और जो विजय दशमी मनाई जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत को, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।